भगवन मोय न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे दाता ना। आदरणी समस्त श्रोतागण, आज हम कल्याणी के सिट के माध्यम से एक पत्रता का आख्यान लेकर के चल रहे हैं। किस तरह सावित्री ने अपने मरे हुए पति को दोबारा जीवन दिलाया, ये कहानी कल्याणी कैसेट के माध्यम से सुनाने के लिए जा रहा हूं। दोमत सेन रहते जहां बो था साली अवधेश, उनके कुमार की कथा को अब गाय के कहे विशेष। साली अवधेश मुकाम धुमत सेन नाम बड़ो है तपधारी, और सेव्या नाम की नारी रे पति वीरता प्राणन प्यारी। बहुत ही अच्छे राजा हैं महाराज धुमतसेन, और इनकी प्राण प्यारी का नाम है सेव्या। साली अवदेश मुकाम धुमतसेन नाम बड़ो है तपधारी, बड़ो तपधारी। सेव्या नाम की नारी रे पतिवीरता प्राणन प्यारी। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, सुनो सवा के भात नार के साथ मगन दिल भारी, मगन दिल भारी। राजा की करत बढ़ाई सब नर नारी, राजा की करत बढ़ाई सब नर नारी। बेटे दोस्तों, महाराज धुमतसेन के घर में सेव्या नाम की रानी थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सेव्या नाम की स्त्री के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ आंगन में किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही नहीं भैया, अरे राजा की प्राणन प्यारी रे, अरे महलन की घरबारी। राजा की प्राणन प्यारी रे दुत महलन की घरबारी, और बाके गर्भ से पैदा रे, बाके गर्भ से पैदा रे भौ एक अवतारी। महाराज भूबल टवाई रहो निज दान, और ब्राह्मण ने बेटा को रख दो सत्यवान शुभ नाम। वीरन होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे, जगवीर होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे। एक टारे नाए टरे कर्मगत टारे नाए टरे रे कर्मगत टारे नाए टरे। वीरन होनी है बलवान कर्मगत टारे नाए टरे।
राजा के घर में जब बालक ने जन्म लिया बड़ा ही खुशी है, राजा रानी दोनों खुश हैं। ऐसा ही नहीं, राजा रानी ही नहीं, प्रजा के हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी का वातावरण छा रहा है। और एक बात बताएं भाई एलानी, अरे खुश है घर में तारी, अरे खुश है घर में तारी, और दीनो है पलिंगा डारी, अरे लो लिटाई तुरत यो तारी, आई रही दिन बधाई नारी, भक्तो महाराज के घर में जब बालक ने जन्म लिया बधाई देने के लिए जब स्त्रियां घर में आ रही हैं, आंगन में वक्त जब अच्छी तरीका से गुजरने लगा, महाराज और उनकी रानी सेव्या आंगन में दोनों प्रसन्न हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए दोनों के चेहरा बड़े खुश हैं। और एक बात बताएं भैया के राजा दिल में मगन और खुशी दिल रानी है रे भारी रे खुशी दिल, रानी है भारी घर में ना कोई कुमर गोद में एक तारी, बड़े खुश। अरे खुशी पर जाके नर नारी, और धीरे धीरे सियानो भौजब बेटा बलकारी, आंगन में बहुत खुश है राजा रानी। अरे समय अब सही गुजरता है, और 5 बरस को लला सभी के दिल को हरता है, अरे पेशना होनी से रे जाती रे पेशना होनी से जाती, और विधि को लिखो विधान बाय कोई मेट ना, तो यों ही वक्त गुजरता गया। रानी महाराज धूमत्सेन बड़े ही खुश हैं, लेकिन भक्तों समय का कोई पता नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए संपत और शरीर का पता नहीं, तकदीर का। याद रखना भक्तों, जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं, न हमेशा दुख रहता है न हमेशा सुख रहता है। महाराज धूमत्सेन बड़ी खुशी के साथ रानी सेव्या और अपने बच्चों के साथ रहने लगे हैं, लेकिन भक्तों परमात्मा की कुछ नजर बदल गई। क्या? के देखो प्रभु की प्रभुताई है,
राजा अंधे दए बनाई। ओ प्रभु की प्रभुताई है राजा अंधे दए बनाई। आज महाराज धूमत्सेन नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए। इत भूप गए और घबराई है तुम्हें, रहो विशेष बताई है। ध्यान रखना भक्तों, जिस वक्त महाराज धूमत्सेन नेत्रहीन हो गए उस समय सत्वान की उम्र बहुत कम थी। सैव्या ने जब अपने पति की दशा को देखा, दशा को निहार करके वो रानी सैव्या अपने पति को देख करके रोने लगी है। ये क्या हुआ तुम्हें? देखी पति की गति, अरे नारी जब बिलखी पड़ी तो बहराई रे। महाराज ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? और देख पति की गति, नार जब बिलखी पड़ी अब हैराई रे। और सोने सी काया को अब हर माटी में दो मिलाई रे। सुख पे पानी फिरो मुसीबत कैसी मो पे आई रे। धरती ने कपट जाइए अभागिन तो जाए समाई रे। आज अपने पति की दशा को निहार कर सैव्या रो रही है, महाराज नेत्रहीन हो गए। और जैसे ही नेत्रहीन हुए हैं वेद का लिखा हुआ विधान, और जब महाराज के दुश्मनों ने सुना कि महाराज अंधे हो गए तो क्या किया? अरे हो नहार सो हुई की रही है, अरे जो विधना ने लिखी लीला। अरे सुनी खबरिया उन बैरिन ने और तुरत ही भोज करी है तैयार। दुश्मनों ने धावा बोल दिया सेना को लेकर के, आधी रात पे धावा रे बोलो, अरे खोलो द्वार महल को जाए। और करी अधिकार लो है शासन पे, फिर राजा बंदी दो बनाई। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज जिस वक्त नेत्रहीन हो जाते हैं तो दुश्मनों ने फौज ला करके चढ़ाई कर दी।
चढ़ाई करके सारे शासन को छीन लिया और दुश्मनों ने एक बात कही, अब सारा शासन हमारा हो चुका है, तुम इस राज को छोड़ करके मर्जी हो जा सकते हो, मर्जी हो वहां जा सकते हो, चले जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, चले जाओ। उसी समय सैव्या रोने लगी। महाराज समझाने लगे, रानी रो नहीं। इतनी सुन के बात धैर्य के साथ कही जन बानी, महारानी अब महल छोड़ के चलो जंद महारानी। रानी सैव्या, राज दुश्मनों ने छीन लिया, यहां से निकल चलो, अपने प्राण बचाओ। इतनी सुन के बात धैर्य के साथ कही जन बानी, अब महल छोड़ के चलो जंद महारानी। आज रानी सैव्या, महाराज धूमसेन और बेटा सत्यवान को गोदी में ले लिया, महल को छोड़ करके चले हैं। मेरा विधि में लिखो लीला कराजी और पाठ तजी रजधानी, अब बन के बेकार ने गुजर करो मेरी रानी। बेटा गोदी मिलयो उठाई पकड़ अंगुरिया बलमय अपने की, छोड़ के महल तो चले सिधारी आगे आगे रानी जाए रही। भैया जे किस्मत के खेल हाय, विपत में विपत्ति विपत्ति में दीपिता, विपत में बैल कन्हा दे जाई घर को भैया बात न बूझे, रिश्तेदार पीठी दे जाई सोई भावई आज रानी पे। आज रानी ने क्या किया, धीरे धीरे डगरत जाई बन के बीच महारानी पहुंची, एक लइए झोंपड़ी वीरन। दोस्तों, रानी सैव्या अपने पति की उंगली पकड़ करके सत्यवान को गोद में लेकर जंगल में पहुंची। उस जंगल में जाकर के घास फूस से एक झोंपड़ी बनाई, झोंपड़ी बनाकर के उस जंगल में रहने लगे। क्या था विध का विधान, वो मां सैव्या क्या करती है, देखिए भक्तों। बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी वो बीन के लाती है, आज बेटा को जमीन सुला देती है माँ। महाराज तो अंधे थे, आज वो मैया सैव्या लकड़ी बीन करके गुजारा करने लगी। बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी बीन के लाती है, फिर उनको बीरन बेची बेची
फिर आटा शहर तिलाती है। सारे दिन मेहनत करी करकी फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बच्चे बाद में खाती है। दोस्तों, महारानी भिखारियों की तरह से गुजर करने लगी। लकड़ी बेच करके आटा दाल ला करके पेट पालती है। जिस समय वह भक्त बन के बीच में गुजरने लगा तब तक सत्यवान बड़े हो जाते हैं। इधर भक्तों सत्यवान जब बड़े हो गए तो हुआ क्या है, अब दिन दिन सियानु भयो कुमरयो तारी। जब बेटा बड़ा हो गया तो अपनी मैया से बोला, माँ अब बैठो तुम आंगन में मात हमारी। महाराज ललानी लई कुल्हाड़ी आत, धीरे धीरे वक्त गुजर रो, कोई मित्र धैर्य के साथ। विपत्तिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी। एक काटे ते कट जाएगी, अरे विशेष बाटे ते बट जाएगी। विपत्तिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, धीरे धीरे सत्यवान बड़े हुए हैं तो उन्होंने जो अपनी माँ का काम था वो अपने हाथ से संभाल लिया। इधर तो सत्यवान अपनी मां का काम करते हैं और इधर प्रकाश डालते हैं। अशोपति की लाडली सावित्री सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुगढ़ थी चंद्र बदन निहारी। जो महाराज अशुपति थे उनकी बिटिया का नाम था सावित्री, और सावित्री बहुत सुंदर थी। कैसी थी, सुंदर रूप विशेष सामले केस छटा छवि प्यारी। बहुत सुंदर, देखन में बड़ी मलू करे उम्र की लड़कनी बारी। बहुत सुंदर चेहरा तो ऐसो रहे चंद्रमा जैसो है, और आंखें हिरनिया जैसी। आहा,
और नाक तोता उड़ जाए। आहा बड़ा सुंदर और सुंदर रूप विशेष खोल के कैसा छटा छवि छारी छटा छवि प्यारी देखन में बड़ी मलू करे उमर की बिटिया बारी ना घर में कोई कलेश सुनो दुर्वेश खुशी मेहतारी अरे मेहतारी सकियन संग खेलत खेल नजर जाकी न्यारी सकियन संग खेल खेल नजर है न्यारी बहुत सुंदर थी सावित्री। आज सावित्री आंगन में खेल रही है। भैया सावित्री देखने में तो बहुत खूबसूरत है, चंद्रमा की तरह से चेहरा दमक रहा है, और ऐसा ही नहीं आज महाराज अस्पति देखते हैं अपनी बिटिया को तो बड़ा खुश होते हैं, बहुत खुश। अरे खुश बेटी है अति मन में अरे खुश बेटी है रे अति मन में और जिया खेलती है रे महलन में एक दिन बैठी रे बीचरे भवन में भवन में भवन में गजब हुई हो भवन में और कछु चिंता बढ़ी गई मन में दोस्तों सावित्री को खेलते हुए जब उनकी माँ ने देखा तो दिल में विचार आया और सोचने लगी है अब तो मेरी सावित्री विवाह के योग हो चुकी है, उसके पीले हाथ करने चाहिए। ये सलाह मैं अपने पत से मिलाऊंगी। हे बांदी कहिए महारानी जू सुनो सुन ले मेरी बहन मान ले कहने सबानो जइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांदी लइयो सबानो जइयो सबानो जइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांधी लइयो मेरे राजा को टेर के महल में बांधी लइयो मेरा चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूपड़िंग जइयो तुम्हें रानी रही बुलाए रे भूपते कइयो तुम्हें रानी रही बुलाए रे भूपते कइयो जिस भक्त भक्तों बांदी ने महाराज अस्पति से जाकर के कहा कि तुम्हारी रानी तुम्हें बुला रही है महाराज ने जब ये वचन सुना कहा बांदी चली जाओ जाकर के कह देना महारानी से अभी हम कचहरी को बर्खास्त करके आ रहे हैं ठीक है महाराज। और जैसे ही भक्तों महाराज अपनी रानी के आंगन में पहुंचे हैं तो महारानी ने आता हुआ देखा महाराज को सुंदर आसन डाल दिया